Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and your study is also going well. So this is the most awaited video, that is Q&A video, and I'm going to answer your all question. And I pick up those question which is very common and mostly came on my most of the videos. I personally answer all the question which I picked up in this video, but it's a common question, so I thought that I should make a video on it. So let's start. तो फर्स्ट क्वेश्चन है सद्दाफ साइमा का, व्हाट टाइप ऑफ बीएससी यू आर डूइंग प्लीज टेल, डज योर बीएससी इज हेल्पफुल इन नीट। सो आई एम डूइंग अ बीएससी लाइफ साइंस एंड या इट्स रियली हेल्पफुल इन माय नीट बिकॉज मोस्ट ऑफ द चैप्टर एंड टॉपिक्स आर सेम, दैट्स आर रिलेटेड टू 11th एंड 12th, बट there is a in detail knowledge in whenever you go in a college or you study a college book, there is a detail chapter is in a detail, like if you are study cell chapter, that there is a one book in a college. So I hope you got your answer. So second question is from a cameo boy, bro, can I do BSc biotechnology along with NEET prep? So yes bro, you can do BSc biotechnology, which is a very good option, and also you can do with a NEET preparation, but yeah, do hard work because you have to manage both at the same time, so you have to be consistent and try to manage it all. Third question is from Aarti Potdar, please tell BSc biology on a simple or hard, NEET syllabus jaisa hota hai. So first of all I want to tell you one thing, ki koi bhi subject jo hota hai ya koi bhi course easy or hard nahi hota hai, जो वो आपके पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि वो इजी होगा या हार्ड होगा. तो जूलॉजी ऑनर्स इट मींस आप पर्टिकुलर जूलॉजी के बारे में काफ़ी डिटेल नॉलेज लेने वाले हो एक ही सब्जेक्ट के बारे में, तो मुझे नहीं लगता अगर आपको जूलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ईजी ही होगा. और नीट सिलेबस जैसा ही होगा, यानी कि नीट में जो 11th 12th में है जो जूलॉजी में है वही आपको जूलॉजी ऑनर्स में भी मिलेगा, बस डिटेल में थोड़ा होगा, तो उसी से थोड़ा मिलता जुलता होगा, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी. बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जूलॉजी ऑनर्स करो अगर नीट की तैयारी कर रही हो. अगर नीट पहला प्रियोरिटी है तो कोई सिंपल नॉर्मल बीएससी लाइफ साइंस कर लो, ताकि क्योंकि आपका नीट जो है पहला प्रियोरिटी है, तो इसलिए मैं वो रिकमेंड करूँगा. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी अगर आप जूलॉजी ऑनर्स करियो दैट्स वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम. फोर्थ क्वेश्चन है, I have just completed class 12th, so should I choose partial drop in first attempt or give a complete drop? So आपने 12th complete किया है अपना, तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप full drop लो. पार्शल ड्रॉप बिल्कुल मतलब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो एकदम अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क के साथ आप प्रिपरेशन करो और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना. और क्योंकि फुल ड्रॉप ले रही हो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो फुल ड्रॉप ही रिकमेंड करूँगा. उसके बाद आप एक पार्शल ड्रॉप ले सकती हो अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो, बट फर्स्ट अटैम्प्ट में फुल ड्रॉप ही लो. सो फिफ्थ क्वेश्चन है, एम्स नर्सिंग के साथ नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल एम्स नर्सिंग के साथ नीट की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इतने अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज से एम्स से नर्सिंग कर रहे हो तो उसमें भी बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है. फिर आप नीट की तैयारी में क्यों आना चाहते हो, मतलब आपका ड्रीम है बहुत अच्छी बात है, बट नाउडेज यू कैन सी द कॉम्पिटिशन लेवल इन नीट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन नीट. सो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से तैयारी करनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो. ब्रो, क्या नीट की प्रिपरेशन से बीएससी का 60% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई मी. तो देखो जो नीट का सिलेबस होता है ना, वो जो है आप उस 11th 12th की ही बुक पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है थोड़े कम में दिया होता है, बट बीएससी में क्या हो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रहता है, यानी कि एक सेल टॉपिक पे एक बुक ही बन गया है सेल बायोलॉजी ऐसे, तो उसमें क्या और डिटेल में नॉलेज पढ़ना होगा आपको. अदरवाइज आप जी आराम से कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि 11th 12th के बेसिस पे भी आप एग्ज़ाम में रिटर्न लिख सकते हो, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए तो कवर कर सकते हो. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई PPMET की प्रिपरेशन के बारे में भी बता दीजिए कुछ प्लीज़. जी ज़रूर, मैं इस पर भी एक वीडियो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके बारे में भी, आपको भी हेल्प मिल जाएगा. आपको कमेंट में काफ़ी लेट में देखा तो सॉरी मैं उस टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाया, बट जल्दी मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया आपने किस कॉलेज से बीएससी
की है, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं ओपन यूनिवर्सिटी UPRTU से BSc कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप लिया पर नीट अच्छा नहीं गया, क्या मैं इस बार भी ड्रॉप लूँ या BSc के साथ नीट प्रिपरेशन करूँ? नीट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, प्लीज़ रिप्लाई सर, कोई सजेशन दीजिए। तो आपका, आपने फर्स्ट ड्रॉप लिया था तो आपका नीट ही फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप BSc के साथ ही आप पार्शल ड्रॉप ले लो, BSc के साथ नीट की तैयारी करो और अच्छे से करना, और जो भी BSc कोर्स आप लिए हो, कर रहे हो या फिर लोगे, आप उसके साथ अपना कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते रहना, अच्छा जाएगा। बिकॉज आपका नीट फर्स्ट प्रायोरिटी है तो उस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो बस अच्छे से करना और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय भैया, कौन सी BSc को एडमिशन ले सकते हैं, प्लीज़ बताना, घर वाले ड्रॉप लेने नहीं दे रहे हैं, बताना प्लीज़। तो आप जो है BSc लाइफ साइंस ले लो, जो कि उतना हार्ड नहीं होता कंपेयर टू अदर BSc कोर्स। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहती हो तो उसके साथ आप BSc लाइफ साइंस काफ़ी हेल्पफुल होगा, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा। मैं BSc लाइफ साइंस ही कर रहा हूँ और उसमें आपको काफ़ी टाइम भी मिलेगा, फैमिली आपकी सपोर्ट भी नहीं कर रही है, तो आप ड्रॉप लो और पार्शल ड्रॉप लो और BSc लाइफ साइंस के साथ लो। अगर आप नीट आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप नीट के लिए ही मतलब करना चाहती हो, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ओपन यूनिवर्सिटी ट्राई करो, पता कर लेना थोड़ा बहुत। मैं ओपन से हूँ, ओपन यूनिवर्सिटी से BSc कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं BSc लाइफ साइंस रिकमेंड कर रहा हूँ, ताकि आपको नीट में अच्छा टाइम मिले नीट की तैयारी करने के लिए और अटेंडेंस का कोई झमेला ना हो। तो ये सब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम स्टडिंग सेकेंड ईयर ऑफ BSc बॉटनी, इफ़ आई गेट 600+ मार्क्स इन नीट 2024 आई विल ज्वाइन इन MBBS एंड डिसकंटिन्यू द BSc। येस, यू कैन डिसकंटिन्यू द BSc एंड होपफुली, आई होप कि आप 600+ मार्क्स गेन करो और जो है डिसकंटिन्यू करो BSc और MBBS में एडमिशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने BSc किया है, अगर 12th का डुप्लीकेट TC लगा दूं और थ्री ईयर का गैप सर्टिफिकेट लगा दूं कि मैं पढ़ाई की के लिए ड्रॉप लिया, तो कोई दिक्कत होगी क्या? देखो, डुप्लीकेट मुझे नहीं लगता डुप्लीकेट TC लगाने की ज़रूरत है, जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है, जो भी है ओरिजिनल, आप वही लगाना, डुप्लीकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, और गैप सर्टिफिकेट तो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो कैन आई प्रिपेयर नीट विद BPharma, प्लीज़ कैन से दिस बिकॉज माई पेरेंट्स नॉट अलाउंग टू टेक BSc। तो BPharma भी एक अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर BPharma के साथ भी नीट की तैयारी कर सकते हो, और आपके पेरेंट्स अगर BSc के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप BPharma के साथ भी नीट की प्रिपरेशन करो, कोई अच्छे से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग इनरोल कर लो और अच्छे से तैयारी उसकी भी करना, और अटेंडेंस वगैरह टीचर से बात कर लेना कि थोड़ा अटेंडेंस वगैरह वो मैनेज कर दे, तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा नीट के लिए और ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो वो सब देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैं BDS कर रही हूँ, उसके साथ नीट की प्रिपरेशन, प्लीज़ गाइड मी। तो अगर आप BDS कर रही हो तो मैं तो सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूँगा, BDS भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन है, फिर से नीट में नीट की तैयारी मत करो, बहुत टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज कंपटीशन का लेवल देख रही हो, तो नीट का फिर से नीट में आना इज़ नॉट अ वर्थ इट आई थिंक, क्योंकि क्रैक होगा नहीं होगा ये भी तो देखो ऑलरेडी, तो BDS के साथ ही मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करूँ तो आप BDS के साथ नीट की प्रिपरेशन, आप वीकली कॉलेज अटेंड करो और नीट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, आप जो भी जहाँ भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस टाइम वेस्ट को नोटिस करो और अवॉइड करो कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, और कुछ दिन कॉलेज स्किप करो, तो ऐसे ही आप नीट की प्रिपरेशन कर सकती हो, और कोई तो ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आपको BDS भी, तो आप जब तक BDS कर रही हो तो उसको भी तो देखना है, तो आप कॉलेज ही स्किप कर सकते हो और जो भी जहाँ भी टाइम वेस्ट हो रहा है आप वो टाइम वेस्ट ना हो ये नोटिस करो, कहीं नोट कर लो, नोट करने से याद रहता है। पर एक बार फिर ये भी ज़रूर सोचना कि नीट का कॉम्पिटिशन लेवल इस टाइम पर 2024 में देख ही रही हो, कैसा नीट का कंपटीशन है, कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या सच में नीट प्रिपरेशन करना है BDS के साथ या फिर BDS के साथ ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा अगर तुम, क्योंकि अगर नीट पे फोकस करोगे तो इधर का भी देखना पड़ेगा, उधर का भी, पता चला क्रैक नहीं हुआ तो आप उधर भी उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे और इधर तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, और कोई